वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ सिवालखास से भाजपा प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मनिंदर पाल सिंह ने क्षेत्र में उनके टिकट को लेकर रोज हो रहे हंगामे को नकारते हुए कहा कि यह पार्टी स्तर से लिया गया निर्णय है। हर क्षेत्र में उनका कोई विरोध नहीं है। हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नामांकन के बाद मीडिया से मनिंदर पाल सिंह ने यह कहा। लगातार क्षेत्र का रेलवे प्रदर्शन और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र देव से मिलेंगे, उससे पहले भी तमाम उन्हें राइट है, तो भारतीय जनता पार्टी का निर्देश है। जहाँ तक पदाधिकारी है, पार्टी के कार्यकर्ता है, सब साथ है। एक आध आदमी होता है जिसके मन में दुख होता है, वो भी ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। नहीं, मैं पूरे जिले में काम किया है। आज कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन ना हूँ, दो जिलों में काम किया है। कोई जिले का गांव ऐसा नहीं है जिसमें मेरा काम ना हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मेरी दस्तक और आना जाना ना हो। और आरोप लगाने के लिए सबके पास रास्ते खुले हैं, उन्हें रोका थोड़ी ना जा सकता है। मना लेंगे रूटों को, रूटे मान गए हैं, अब कहाँ हो रहा है विरोध। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की क्या आवश्यकता है? घोषणाएं, विकास काम, रचनात्मक रूप से जो जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वही क्या कम है? मुद्दों की कहां आवश्यकता है? आपके सामने पूर्व विधायक भी खड़े हो गए हैं सपा लोकदल गठबंधन से, जो लोकदल की सीट मानी जाती है बेसिकली। वो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको दिया गया है। पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और केंद्र सरकार में हमारे बैठे देश के प्रधानमंत्री ने जितने काम किए हैं उन्हें लेके हम जनता के बीच जाएंगे। मनिंदर पाल क्लीन स्वीप करेंगे, किसी से मुकाबला मान के चलेंगे? नहीं, क्लीन स्वीप तो होता नहीं है, झूठ बोलने का पराये में रखता नहीं। लड़ाई होगी पर जीत निश्चित रूप से हमारी होगी। किससे? गुलाम मोहम्मद जी है हमारे समाजवादी पार्टी से। एक क्या कहूँ, मैं किसी बात पर बोलना नहीं चाहता, मेरी भाषा ऐसी नहीं। चुनाव होगा और उसमें निश्चित रूप से हम जीतेंगे। क्या ऐसी चीज है जो महेंद्र जी, समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन में भी जबरदस्त विवाद चल रहा है, घमासान मचा हुआ है? नहीं, रालोद तो वहाँ है ही नहीं। रालोद का क्या मतलब है? गठबंधन की बात है। नहीं, गठबंधन ही कहाँ रह गया? हम समाजवादी पार्टी का पहले प्रत्याशी था, समाजवादी पार्टी का आज प्रत्याशी है। पहले से फिरका परस्ती वहाँ चल रही थी, वहाँ लोग रोज अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, वही बात आज सामने आएगी, कोई नई बात थोड़ी ना है। कहाँ है वहाँ लोक दल का, कहाँ हुआ गठबंधन? वो तो समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा कैंडिडेट है। तो आप लगता है कि सीधा फायदा भाजपा को होगा? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। भाजपा को क्यों होगा फायदा? भाजपा के पास तो अपने आप जनाधार है, जनता है, लोग चाहते हैं। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार सब भारतीय जनता पार्टी को चाहता है। कोई है ही नहीं समस्या, क्या माने? इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।